त्रेता युग में अपने छोटे छोटे बच्चों राम लक्ष्मण को संतों की यज्ञ की रक्षा करने के लिए भेजा। सबसे बड़ा उदाहरण समाज के लिए था कि हमारे लिए संतान पहले नहीं है, धर्म और संत की रक्षा देश की पहली रक्षा। उक्त विचार विधायक आशीष शर्मा ने दलिया वितरण के एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सम्मान समारोह में व्यक्त किए। श्री रामेश्वर सेवा न्यास हंडिया शीतलपुरी सेवा का प्रथम वर्ष विश्व योग दिवस पर शाम को सामुदायिक भवन खातेगांव में विधायक आशीष शर्मा के मुख्य आतिथ्य और वरिष्ठ अभिभाषक मनोहर गिरी के अध्यक्षता में और SDM प्रिया चंद्रावत के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित किया गया। आयोजन की शुरुआत देशभक्ति गीत के साथ गोपाल विश्नोई ने कराई। अतिथियों के द्वारा माँ भारती के पूजन के साथ वृक्षों का पूजन और उसके पास पश्चात अतिथियों का परिचय सूरज विश्नोई ने कराया। अतिथियों का स्वागत और सम्मान मोहित विश्नोई योगेश व्यास भरत विश्नोई ने किया। खातेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सफाई कार्य करने वाले सफाई कर्मचारी और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले लोगों को अतिथियों ने सम्मानित किया। सेवा के कई सारे प्रकल्प विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलते हैं, लेकिन खातेगांव के शासकीय अस्पताल में पिछले एक वर्ष लगातार युवाओं के द्वारा मरीजों को उनके अटेंडरों को पांच दलिए का वितरण किया जा रहा है। जो मरीज होते हैं उन्हें हल्का आहार देने की सलाह डॉक्टर देता ही है और ये गर्मा गर्म दलिया यहाँ आने वाले सैकड़ों मरीजों को हर सप्ताह प्रदान किया जाता है और इस काम में पूरे युवा वर्ग के लोग लगे हुए हैं। वाकई में इनकी ये सेवा भावना अनुकरणीय है। इस सेवा कार्य को करते करते इन्हें एक वर्ष का समय पूर्ण हुआ है। इस अवसर पर समाज भी आज एकत्रित हुआ। इनके कार्यों की मैं सराहना करता हूँ। ऐसे ही लोग हैं जो समाज की सेवा के लिए आज आवश्यक हैं। यदि हम सब सेवा का कोई ना कोई कार्य अपने हाथ में लें तो आने वाली पीढ़ियों को न सिर्फ उससे शिक्षा मिलेगी बल्कि समाज में भी सेवा करने का भाव और जागृत होगा। अधिकांश से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।